छत्तीसगढ़ में बढ़ती सीमेंट की कीमतों को लेकर कांग्रेस के द्वारा सभी जिला मुख्यालय में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके तहत ही राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में सीमेंट की बोरियां सामने रखकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए और सीमेंट के दाम कम करने की सरकार से मांग की। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गरीब व मध्यम परिवार की मजबूती का फायदा उठाया जा रहा है, सरकार सीमेंट रेत के बढ़े हुए दाम को वापस ले। देश के हर जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। छत्तीसगढ़ के गरीब जनता मध्यम परिवार को जो अपने परिवार के लिए एक छत बनाना चाहता है, मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए सीमेंट बहुत दूर हो चुका है, रेती बहुत दूर हो चुकी है और उनकी मजबूरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है।